और चलिए बात करते हैं पांच का पंच में आज की चौथी बड़ी खबर की, जो की है साहब सनक और सस्पेंस। जी हाँ, पखांजूर में INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मोबाइल के लिए जलाशय खाली कराने वाले फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि पखांजूर में फूड इंस्पेक्टर की मनमर्जी देखने को मिली थी। फूड इंस्पेक्टर का दोस्तों के साथ पार्टी करते समय 1.5 लाख रुपए की कीमत का मोबाइल परल कोट जलाशय के ओवर पुल से नीचे गिर गया था। अफसर ने पहले गांव के लोगों को मोबाइल ढूंढने में लगाया और जब मोबाइल नहीं मिला तो अगले दिन पंप लेकर पहुंच गए। 4 दिन तक पंप लगाकर जलाशय का पानी निकाला गया, खाली कराया गया। शिकायत पर सिंचाई विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे और पानी निकालना बंद करवाया, लेकिन तब तक जलाशय से 6 फीट पानी निकल चुका था। हालांकि गोताखोरों ने मोबाइल ढूंढ लिया है। अनुमान है कि बांध में जमा 21 लाख लीटर पानी बहा दिया गया है। इतना पानी 1,500 एकड़ की भूमि की सिंचाई करने के लिए काफी था। अब अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी प्रदेश के पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया है। इसके पहले किसी ने भी हमारे संज्ञान में इस बात को नहीं लाया है, ना ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है। मैं ज़रूर इसका संज्ञान लूँगा और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार मैं इस पर आगे कार्रवाई करूँगा। उसको सस्पेंड कर दिया गया। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या कहेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या कहेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजेश हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेश, अगर बात की जाए तो क्या माना जाए, अधिकारी जो फूड इंस्पेक्टर है उसकी मनमानी यहां पर सामने आ रही है? क्या अफसर शाही प्रदेश में इतनी हावी है कि अफसर बिना किसी अधिकारी के आदेश लिए या बात की जाए तो आज्ञा लिए इस तरह का जो एक पानी है वह जलाशय को खाली करवा देते हैं, जहां पर किसानों को एक भारी नुकसान होता है? निश्चित तौर पर जो परलकोट जलाशय है उस पर परलकोट क्षेत्र के सैकड़ों गांव जो है वो निर्भर करते हैं। किसानों के लिए सिंचाई की सबसे बड़ी व्यवस्था जो है वो परलकोट जलाशय है। ऐसे में वह इकट्ठे पानी को एक फूड इंस्पेक्टर द्वारा सिर्फ अपने मोबाइल के लिए, मोबाइल को खोजने के लिए पूरे पानी को जो है वो खाली कराया जाता है। 15 फुट का जो है पहले पानी भरा रहता है और 10 फीट जो पानी है वो फूड इंस्पेक्टर के द्वारा खाली करवा दिया जाता है। यानी कई लाख लीटर पानी जो है वो व्यर्थ बहा दिया जाता है। उसके बाद मोबाइल तो मिल जाता है, पर उस पानी का क्या, जिसने पूरा जिस पानी को पूरा बहा दिया गया है? ऐसे कई सवाल जो है वो राजनीतिक गलियारों में अब गूंजने लगे हैं। लगातार इस पर जो है भाजपा के कई नेता, बड़े नेता जो है, तमाम नेता वो ट्वीट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के स्थानीय जो भाजपा जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी इस मामले को लेकर जो है वो राजनीतिक गलियारों में जो है वो जंग छेड़ दिया है। साथ ही यहाँ युवा मोर्चा की बात करें तो भाजपा युवा मोर्चा ने अधिकारियों पर कार्रवाई ना होने पर पूरी तरीके से जो सस्पेंशन के साथ साथ उनका जो है वो बर्खास्त करने की जो है उन्होंने मांग की है, और अगर 3 दिनों के अंदर उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है तो वो जल सत्याग्रह करने की यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं। जी चलिए राजेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पखांजूर में जो है अधिकारी की मनमानी सामने आई है और हालांकि अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए हैं।